हरियाणा दौरे पर रहेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। द्वारका एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम जोन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। गुरुग्राम पहुंचेंगे आज प्रधानमंत्री। 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और 1,00,000 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4,100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा द्वारका एक्सप्रेसवे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंदरजीत सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वीके सिंह और कृष्ण पाल गुर्जर भी इस खास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो गुरुग्राम पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री आज और इस मौके पर द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, इस एक्सप्रेसवे पर रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 4,100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस खास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्वारका एक्सप्रेसवे की सौगात हरियाणा वासियों को देंगे। प्रधानमंत्री द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने के बाद सेक्टर 84 में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस वक्त में जनसभा स्थल पर मौजूद हो आप देख सकते हैं, मंच जो है वो सज चुका है, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और प्रधानमंत्री जब गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचेंगे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के बाद एक प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे और रोड शो करने के बाद इस जनसभा स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और कम से कम 50,000 लोगों के पहुंचने की संभावना इस जनसभा में लगाई जा रही है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, लंबे समय से जो लोग हैं वो इसका इंतजार कर रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं सौगात जो है प्रधानमंत्री आज गुरुग्राम वासियों को देने वाले हैं, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे बनने से NH 48 पर दबाव कम होगा और कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक की समस्या से रोजाना लोगों को जूझना पड़ता था उससे भी लोगों को निजात मिलेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ प्रधानमंत्री जो है वो 4,890 करोड़ की लागत से बनने वाले शामली अम्बाला नेशनल हाईवे के पैकेज नंबर 1, 2, 3 के आधारशिला रखेंगे और उसके बाद 1,330 करोड़ की लागत से भिवानी हांसी रोड के विस्तारीकरण के प्रोजेक्ट की भी आधारशिला आज इस मंच के माध्यम से रखी जाएगी। तो आज का दिन हरियाणा वासियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सौगात जो है वो प्रधानमंत्री हरियाणा वासियों को देने वाले हैं। बस अब कुछ ही समय का इंतजार है और कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और ये जो तमाम सौगात है ये हरियाणा वासियों को समर्पित करेंगे। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट फाइल के साथ करण जयसिंह।